पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद नगर के एक घर में जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस टीम यहां दबिश देने पहुंची तो दंग रह गई। दरअसल शराब माफिया ने घर के नीचे एक गुप्त तहखाना बना रखा था, जिसमें अलग अलग ब्रांड के बोतलों के नकली शराब भरी जा रही थी। तहखाने में जाने का रास्ता भी आसान नहीं था। घर के बेडरूम की अलमारी के नीचे के हिस्से को खोलने पर तहखाने का रास्ता खुलता है। यहां से बाकायदा लिफ्ट के जरिए नीचे जाना पड़ता है। इस मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चंद्रशेखर आजाद नगर के मुख्य मार्ग दाहोद रोड पर नवीन बसेर के घर में अवैध शराब बनाने का कारखाना चल रहा है। पुलिस की छापेमारी में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। जब बारीकी से इस मामले की पड़ताल की गई तो पुलिस के अफसर भी चौंक गए। घर के एक बेडरूम की अलमारी का निचला हिस्सा उठाकर देखा तो उसके नीचे पुलिस को तलघर नजर आया। यहां से नीचे जाने के लिए लिफ्ट लगी थी। पुलिस ने तलघर में जाकर जांच की तो यहां अवैध रूप से 11 ड्रम स्प्रिट, कुछ खाली ड्रम, विभिन्न तरीके के ब्रांड के होलोग्राम, खाली बोतलें, पैकिंग के लिए गत्ते, शराब तैयार करने की मशीनें, खाली बोरे आदि बहुत सारा सामान मिला। अलमारी के भीतर पूरी अवैध शराब फैक्ट्री चल रही थी। अवैध शराब बनाने की सभी सामग्री जब्त कर पुलिस ने आरोपी नवीन बसेर और उसकी पत्नी विशाखा के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 49(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।